हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेडिकल नॉलेज। आज फिर एक नए वीडियो के साथ, जहां पे आज हम फिर एक ब्लड सैंपल लेके कुछ टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहां पे कुछ दिख रहा है, किट सी रिएक्टिव प्रोटीन किट, रूमेटिड फैक्टर लेटेस्ट टेस्ट किट और एएसओ टाइटर किट। तो हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया है और उसको सेंट्रीफ्यूज भी कर लिया है, जो कि अब निकाला जा रहा है। देखिए, इसमें से पूरा सीरम निकल चुका है, क्योंकि आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा सीरम है। और इसके टेस्ट के लिए ये स्लाइड रखा हुआ है और इसको काफ़ी सेफ्टी के साथ यहाँ रखा जा रहा है, ताकि जो जो भी टेस्ट मिला हुआ है करने के लिए, वो उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके। इसमें से अब कितना बूंद निकाला जाएगा भैया? देखिए, एक ड्रॉप निकाला जा रहा है सीरम का, एक बूंद। और इसमें से देखिए कितना सेफ्टी के साथ डाला जा रहा है। और ये जो टेस्ट किया जा रहा है, ये छपरा शिव बाजार आराधना पैथो लैब में नीरज भैया के थ्रू किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी, वो आशीष भैया के द्वारा ये वो टेस्ट किया गया था। उन्होंने भी DMLT किया हुआ था और ये भैया भी DMLT किए हुए हैं। ये जो अलग अलग टेस्ट स्लाइड रखा हुआ है, इसमें अच्छा, ये जो ड्रॉप डाला है इसमें क्या होगा? एएसओ टाइटर। और इसमें जो सेकंड वाले में डाला हुआ है आर एफ फैक्टर। और ये जो थर्ड वाले में डाला हुआ है, इसमें CRP टेस्ट किया जाएगा। ये क्या चीज़ है? एएसओ टाइटर लिक्विड है। लिक्विड अब देखिए, इसमें जिसमें रखा हुआ है उसमें वन ड्रॉप डाला जाएगा। अब जो निकाला जा रहा है वो आरए वाला है, आरए रूमेटिक रूमेटोइड फैक्टर लेटेस्ट टेस्ट किट। देखिए, वन ड्रॉप निकाल के इसमें डाला जा रहा है। उसके बाद जो एक थर्ड बचा हुआ है वो CRP टेस्ट के लिए है। और इसमें से भी लिक्विड निकाल के एक ड्रॉप, ये जो सीरम रखा हुआ था स्लाइड में, उसमें डाला जा रहा है। अब इसको कितने देर तक रखना है? लगभग दो मिनट तक सबको मिलाया जाएगा। देखिए, जो सीरम रखा हुआ था और जो लिक्विड डाला हुआ है, उसको काफ़ी सेफ्टी के साथ मिलाया जा रहा है, ताकि जो इसका एक लिमिट एरिया बना रखा है रेड कलर का, जो आप देख पा रहे हैं, उसे बाहर ना निकले, ताकि जो भी जांच हो रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। और हर एक जांच करने के बाद जो स्टिक है उसको फेंक देना है, उसको हर एक बार नया यूज़ करना है, ताकि दूसरे सैंपल में मिक्स ना हो। इससे क्या होता है कि रिपोर्ट काफ़ी अंतर आता है, रिपोर्ट काफ़ी गलत निकलता है। और ये रिपोर्ट जो किया जा रहा है, एक बार फिर मैं बता दूँ, ये छपरा शिव बाजार में है आराधना पैथो लैब, जहाँ का रिपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा ही और सेफ्टी के साथ ये रिपोर्ट यहाँ पर किया जाता है। और ये ऐसे दो से तीन मिनट तक करना है। और ये जो किट हमने यूज़ किया है, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है ASO, अच्छे से देख ले इसको, एक किट। और ये जो दूसरा किट हम लोगों ने यूज़ किया आरए वाला रूमेटॉइड फैक्टर लेटेस्ट टेस्ट किट, ये दूसरा। और ये जो तीसरा हम लोगों ने यूज़ किया था CRP टेस्ट किट, इसको भी आप अच्छी तरह से देखें। और इसको अभी भी मिक्सअप किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक करते रहना है। इसमें क्या देखना रहता है? नेगेटिव। अच्छा, इसमें भी जैसे हम लोगों ने पिछले जो वीडियो बनाया था ब्लड ग्रुप के बारे में, कि कौन सा फटता है तो पॉजिटिव होता है, नहीं फटता है तो नेगेटिव होता है, सेम इसमें भी देखना है कि कौन सा फट रहा है, कौन सा नहीं फट रहा है। अगर आप लोगों ने ब्लड ग्रुप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके एकदम देखें, मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि वो कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं, अभी तक तो नहीं फटा है कोई,
नेगेटिव है। अगर नहीं फटता है तो नेगेटिव है, अगर फटता है तो पॉजिटिव है। आप और अच्छे से दिखा दूँ, देखिए एकदम जैसा था वैसे का वैसा ही है। अब सीआरपी को मिक्सअप किया जा रहा है। दो टेस्ट तो हम लोग का हो गया, अब ये तीसरा टेस्ट जो कि लास्ट टेस्ट है। ये हल्का फट रहा है ना, पॉजिटिव है। इसको देखिए आप अच्छे से, काफ़ी देखिए ये हल्का फटा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सीआरपी पॉजिटिव है, जैसे आपको बताया गया था कि अगर नहीं फटता है तो नेगेटिव है, फटता है तो पॉजिटिव है। तो ये सीआरपी टेस्ट हम लोग का फटा है जो सैंपल है, यानी ये सीआरपी जिस पेशेंट का कलेक्ट किया गया था ब्लड सैंपल उसका पॉजिटिव। अभी फाइनल रिजल्ट हम लोग के पास आया है कि एएसओ और आरए जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि सीरम के साथ जो लिक्विड मिलाया गया था उससे नहीं फटा है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन जो हम लोग का सीआरपी टेस्ट है वो फट चुका है, यानी हम लोग का ये जो रिजल्ट मिला है वो पॉजिटिव मिला है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आप ये वीडियो काफ़ी अच्छे से देखें। थैंक यू।